हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे और वेलकम करता हूँ हमारे चैनल ड्रग मेडिसन में। तो दोस्तों, आज की हमारी इन्फॉर्मेशन मौसीगार सिरप के बारे में होगी। आज हम जानेंगे ये सिरप किस चीज़ के लिए इस्तेमाल की जाती है, क्या है इसके यूजेस, फ़ायदे और इसको इस्तेमाल करने से क्या मुज़र असरात हो सकते हैं और कौन लोग इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इसके कंपोजिशन के बारे में जानते हैं। इसके कंपोजिशन में पाजोटिफेन है। इस सिरप का जेनेटिक काम भूख बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जिन दोस्तों ने पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेडिसिन के मुतालिक हर आने वाली इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। दोस्तों, अब जानते हैं मौसीगार सिरप के बारे में। क्योंकि ये सिरप भूख बढ़ाने के लिए इस्तेमाल की जाती है, जिन लोगों को भूख नहीं लगती और जिस्म खुराक की कमी की वजह से दिन ब दिन कमज़ोर होता जा रहा हो, तो उनके लिए ये सिरप इस्तेमाल किया जाता है। मौसीगार सिरप के इस्तेमाल से भूख बढ़ जाती है और खुराक ज़्यादा खाने को जी जाता है, क्योंकि मौसीगार सिरप भूख पैदा करती है। इसके अलावा बाज़ लोगों में हर वक्त आधे सर का दर्द यानी माइग्रेन का दर्द, जिसे दर्द सकीका भी कहते हैं, इसके लिए भी इस सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। और मौसीगार सिरप आम सर के दर्द के लिए भी इस्तेमाल की जाती है। इसके इस्तेमाल से जो आम सर का दर्द होता है वो नहीं होता। तो दोस्तों, ये थे इस सिरप के फ़ायदे और अब देखते हैं कि कौन लोग इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। मौसीगार सिरप हमला खौतीन इस्तेमाल नहीं कर सकती और छोटे बच्चे इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। इनके लिए इस सिरप का इस्तेमाल ममनू है। चूँकि मौसीगार सिरप में कुछ सुकून है तो ये सिरप काम करते वक्त इस्तेमाल ना करें। इसके इस्तेमाल के बाद ड्राइविंग ना की जाए या कोई मशीन वगैरह ना चलाई जाए। दोस्तों, आप जानते हैं कि इसको इस्तेमाल करने से क्या मुज़र असरात हो सकते हैं। इसको लेने से ये साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, मुंह का खुश्क होना हो सकता है, सर का चकराना भी इसका साइड इफ़ेक्ट है, कब्ज़ का होना भी हो सकता है और दस्त भी हो सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे इस सिरप के मुज़र असरात और इसी के साथ हमारी इन्फॉर्मेशन का एंड होता है। दोस्तों, कोई भी मेडिसन हो डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक इस्तेमाल की जाए। डॉक्टर के मशवरे के बगैर कोई भी मेडिसन हो इस्तेमाल ना की जाए। दोस्तों, अगर आपको हमारी इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।